Milka Singh of India. Milka Singh of India coming on the outside lane, and Spence coming through fast from the inside, and it's first Milka Singh, second Spence, South Africa. This was my first gold medal in the Commonwealth Games in 1958. From 58 till today, no other Indian has got the Commonwealth gold hope. So this is my dream, that some youngster should enable the national anthem and the Indian flag over the victory. नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ स्वाति। हाथ की लकीरों से जिंदगी बना नहीं करती, अज्म कुछ हिस्सा हमारा भी है जिंदगी बनाने में। ये लाइन फ्लाइन सिख मिल्खा सिंह अक्सर कहा करते थे, क्योंकि बचपन में ही माता पिता और अन्य स्वजनों को विभाजन की त्रासदी के दौरान पाकिस्तान में कत्ल होने के कारण अनाथ से जिंदगी जीने वाले मिल्खा सिंह ने अपनी मेहनत के बलबूते ही विश्व में अपना नाम बनाया। 91 वर्षीय मिल्खा सिंह ने चंडीगढ़ में कल रात 11:30 बजे अंतिम सांस ली। महान एथलीट मिल्खा सिंह हमारे बीच अब ना रहे हो, लेकिन ट्रैक एंड फील्ड में जो उनकी अनगिनत उपलब्धियां हैं उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह 1960 ओलंपिक में महज कुछ सेकंड के लिए पदक से चूक गए थे। उसी साल मिल्खा सिंह को पाकिस्तान में दौड़ने का आमंत्रण मिला था, लेकिन उन्होंने पहले इसे ठुकरा दिया था। हालांकि बाद में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समझाने पर उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। अपनी बायोफिल्म के लॉन्चिंग के मौके पर मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान दौरे को याद करते हुए कहा था, मुझे 1960 में पाकिस्तान से लाहौर में दौड़ने का आमंत्रण आया था, मगर मैंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जब उस रात का सीन मेरी आंखों के सामने आता था कि किस तरह बंटवारे के समय मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहनों को मारा जा रहा था, तब मेरा दिल दहल जाता था और मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू के समझाने पर उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। पाकिस्तान में उस समय अब्दुल खालिक का जोर था। खालिक वहाँ के सबसे तेज धावक थे। दोनों के बीच दौड़ हुई, मिल्खा ने खालिक को हरा दिया। पूरा स्टेडियम अपने हीरो का जोश बढ़ा रहा था, लेकिन मिल्खा की रफ्तार के सामने खालिक टिक नहीं पाए। मिल्खा की जीत के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने फ्लाइंग सिख का नाम दिया। ये बात मिल्खा सिंह ने भी कही है कि उन्हें फ्लाइंग सिख का नाम जनरल अयूब खान ने दिया था। उन्होंने कहा था, इसका श्रेय पाकिस्तान को जाता है। जब मैं रेस जीता तो अयूब खान मेरे गले में मेडल डालने स्टेज पर आए और उन्होंने कहा कि आज तुम दौड़े नहीं, उड़े हो। जब मैंने जीत के बाद स्टेडियम का चक्कर लगाया तो स्टेडियम में 10,000 महिलाएं बुरके पहनी हुई बैठी थी। उन्होंने बुरके उठाए और कहा कि इस सरदार ने कमाल कर दिया। पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा करने वाले फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी का निधन एक गौरवपूर्ण अध्याय का अंत है। उनका जीवन हर भारतवासी को सपने देखना और पूरी मेहनत से उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देता रहेगा, और वो हम सबके दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। और उनका ये प्यारा मैसेज भी कि हाथ की लकीरों से जिंदगी बना नहीं करती, अज्म कुछ हिस्सा हमारा भी है जिंदगी बनाने में। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।